हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बाजार जैसे समोसा घर पे बनाएंगे। तो समोसा बनाने के लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है, 1 चम्मच नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। आधा चम्मच अजवाइन डालेंगे, आधा चम्मच मंगलियाँ डालेंगे, फिर इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेने के बाद आधा कप रिफाइन ऑयल डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिलाने के बाद थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम लोग मैदा को अच्छे से मिक्स कर लिए हैं, देखिए हम लोग का मुट्ठी बन रहा है। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैदा को गूंथ लेंगे। मैदा को हम लोग थोड़ा टाइट ही गूंथेंगे ताकि समोसा अच्छा बने। ये हमने मैदा को अच्छे से गूंथ लिया है, इसे 10 मिनट तक छोड़ देंगे। तो अब हम लोग समोसा का स्टफिंग बनाएंगे। उसके लिए मैंने एक पेन लिया है, उसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल को थोड़ी देर गर्म होने देंगे। हम लोग का तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम लोग 1 चम्मच धनिया डालेंगे, 1 चम्मच जीरा डालेंगे, 1 चम्मच सौंफ डालेंगे, 5-6 गोलकी डालेंगे। वैसे 2 मिनट के लिए भून लेंगे। ये हम लोग का मसाला अच्छे से भून गया है, अब इसे हम निकालेंगे। अब हम लोग भुने हुए मसालों को निकाल के कूट लेंगे और इसका पाउडर बना लेंगे। ये हमने मसालों को अच्छे से कूट लिया है। अब हम लोग 2 हरी मिर्च, 2 लहसुन, थोड़ा सा अदरक लेंगे और इसे भी अच्छे से कूट लेंगे। ये हमने कूट के पेस्ट बना लिया है। मसालों को भूनने के लिए अब हम लोग एक पैन लेंगे, उसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल को थोड़ी देर गर्म कर लेंगे। तेल गर्म हो जाने के बाद इसमें हम लोग कुटा हुआ मसाला डालेंगे। मसाला को अच्छे से भून लेंगे। मसाला भून जाने के बाद इसमें हम लोग भुना हुआ बादाम डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम लोग बॉयल पोटैटो डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू को मिक्स कर लेने के बाद इसमें हम लोग भुना हुआ मसाला डालेंगे जो हमने कूट के रखा था और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक चम्मच नमक डालेंगे स्वादानुसार, 1 चम्मच हल्दी डालेंगे, 1 आलू को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें लोग 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, इसे अच्छे से मिला लेंगे। फिर हम लोग बारीक कटा हुआ नारियल डालेंगे। फ्लेवर के लिए धनिया पत्ता डालेंगे। आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। आधा चम्मच चाट मसाला डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हम लोग का समोसा का स्टफिंग तैयार हो चुका है। इसे हम लोग थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम लोग समोसा बनाने के लिए मैदा का लोई लेंगे जो हमने गूंथ के रखा था। लोई को हम लोग थोड़ा लंबा और पतला बेलेंगे।
लोई को अच्छे से बेल लेने के बाद इसको हम दो भाग में काट लेंगे। अब हम लोग बेला हुआ मैदा का एक भाग लेंगे और इसे समोसे का शेप में बना लेंगे। अब इसमें पानी लगाएंगे और इसे सील कर लेंगे ताकि समोसा फटे ना और अच्छा बने। ये हम लोग पानी लगा के अच्छे से सील कर लिए हैं। अब इसमें हम आलू का स्टफिंग डालेंगे। ये हमने आलू को डाल दिया है। अब इसमें हम लोग पानी लगा के इसे बंद कर देंगे। ये हमने अच्छे से समोसा का शेप में बना लिया है। ये हमने सारे समोसे को बना के तैयार कर लिया है। अब हम समोसे को फ्राई करेंगे। उसके लिए हम लोग तेल लेंगे, तेल को थोड़ा गर्म कर लेंगे और इसे मीडियम फ्लेम में पकाएंगे। ये हमने सारे समोसे को तेल में डाल दिया है। समोसा को बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि समोसा जले ना। समोसा को हम लोग गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे ताकि समोसा अंदर तक पक जाए और खास्ता बने। ये हम लोग का समोसा अच्छे से पक चुका है, गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसे हम लोग निकालेंगे। ये हमने सारे समोसे को निकाल लिया है। अब इसे हम चटनी के साथ सर्व करेंगे। देख सकते कितना टेस्टी बना है, देख सकते कितना खास्ता बना है और स्टफिंग कितना अच्छा लग रहा है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।